कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन कार्बोनिल ग्रुप बट डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। वाई देखो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हमने रिएक्शन पढ़ी थी, वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं, जैसे दिस इज ए कीटोन, है ना। तो यहाँ पे कीटोन पे कार्बोनिल ग्रुप है, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अगर कोई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रिगनार्ड रिजेंट हो गया, आर एम जी एक्स हो गया, है ना, या फिर एच सी एन हो गया, मान लो सी एन एच लिख देता हूँ मैं, या फिर एन एच एस ओ थ्री सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, और क्या हमने ऐड किया था इसमें, अल्कोहल हो गया, या फिर अमोनिया के डेरिवेटिव्स हो गए, ये हमने ऐड किए थे इसमें, वाटर वाटर भी ऐड हो सकता है। ये सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं ना, जैसे यहाँ से क्या आता है, यहाँ से आर नेगेटिव आता है, यहाँ से सी एन माइनस आता है, यहाँ से एच एस ओ थ्री माइनस आता है, यहाँ से आप वैसे यहाँ पे आर ओ माइनस मान सकते हो, आर ओ माइनस आता है, हालांकि ये अलग है, एसिडिक मीडियम में होता है, पर एनी वेज यहाँ से आप, ये खैर खुद ही पूरा का पूरा न्यूक्लियोफाइल होता है, इसको इन दोनों एग्जाम्पल्स को रुक जाओ फिलहाल, ये जैसे ये है, तो यहाँ आर नेगेटिव है, आर नेगेटिव क्या यहाँ अटैक मारता है ना, और ये ऊपर, तो आर सी ओ नेगेटिव, आर यहाँ पे इसको आर डैश मान लेगा, तो आर डैश लग गया यहाँ पे, और फिर ये वाटर ऐड, वाटर से मतलब सॉल्वेंट से एच ले लेता है, ये बन जाता है ना। तो आपने क्या किया, आपने न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, दिस इज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो है ये आर, हाँ सॉरी नहीं, ये मैंने आर डबल नहीं बनाया, आर डैश, मैं आर डैश लिखना चाह रहा हूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी तो सी डबल बॉन्ड ओ है, तो ये क्या ये भी ऐसे आर डैश, मान लो आर डैश है यहाँ पे, आर डैश नेगेटिव ग्रिगनार्ड रिजेंट के साथ, क्या ये ऐसा कर सकता है, इधर ऐसे ऐड हो गया ग्रिगनार्ड रिजेंट, ऐसे ऐसे हो सकता है क्या इसके साथ, आंसर इज नो, नहीं हो सकता ऐसा, कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते, क्यों, देखो न्यूक्लियोफाइल किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, रेजोनेंस के कारण यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, देखो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, अब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर अपना इसको देता है और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर, ऐसे रेजोनेंस करेगा ना, ये आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ एच ऐसे पॉजिटिव, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन पे जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिल रही है ऑक्सीजन से, इसलिए इसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो इसलिए ये न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट नहीं करता, ये लिखा है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियोफाइल्स, दस कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन, पर यहां देखो यहां शो किया हुआ, इन कार्बोक्सिलिक एसिड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन इज रिड्यूस्ड ड्यू टू रेजोनेंस, दस कार्बोक्सिलिक एसिड्स कंटेन्स कार्बोनिल ग्रुप बट डू नॉट शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन लाइक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, ये रीजन है।